क्या कहते हो सिपाहियों, बता दे उन्हें इस बात धरती की तरफ मेरी नजर से देखने वाले का क्या अंजाम होता है। बता दे उन्हें अब पाकिस्तान पर जो जंग मुसल्लत की जा रही है, दैट इज द फोर्थ जनरेशन वॉर। अब ये मुसलमान मिल्लत को मजीद छोटे छोटे टुकड़ों में करना चाहते हैं, और मशरिक और मगरिब के कुफर की राह में अगर अल्लाह ने कोई आखिरी चट्टान कायम की है तो ये अल्लाह के हुक्म से ये पाकिस्तान की रियासत है। आज इन्होंने 1948 के बाद कहा था, 47 के बाद कहा था कि ये पाकिस्तान बचेगा नहीं, अल्लाह के फल से हम बचे हुए। 1971 के बाद जब गद्दारी से इन्होंने हमें चोट लगाई, इन्होंने कहा पाकिस्तान बचेगा नहीं, अल्लाह के फल से हम बचे हुए हैं। जब हमने सोवियत यूनियन से टक्कर ली, दुनिया ने कहा अब तो पाकिस्तान बचेगा ही नहीं, हम हैं वो नहीं है। जब हमने एटमी प्रोग्राम अपना शुरू किया तो हेनरी किसिंजर लाहौर में आके थ्रेट करता है, वील मेक अ हॉरिबल एग्जाम्पल आउट ऑफ यू। अल्लाह के फजल से वी आर स्टिल हियर एंड वील मेक अ हॉरिबल एग्जाम्पल आउट ऑफ यू। इन्होंने पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाए कि पाकिस्तान कभी एटमी ताकत ना बन सके। हमारी उस जनरेशन में जो 70s और 80s में हमारे बड़े गुजरे हैं, उसमें जो हमारे साइंसदान हैं, हमारी तारीख का सबसे सीक्रेट ऑपरेशन था ये। पूरी दुनिया में मुसलमान, हमारे आप जैसे ग्रेजुएट्स, पूरे बच्चे फैल गए, अपनी जिंदगियां तबाह बर्बाद कर दी। हमारे सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं, यंग साइंटिस्ट, हमारे एजेंट्स, हमारे ISI मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऐसे अफराद जो पूरी दुनिया में फैल गए थे उस वक्त पाकिस्तान के लिए एटमी हथियार, एटमी पार्ट्स के पुर्जे जमा करने के लिए, जो पूरी दुनिया में मारे गए और हमको आज पता भी नहीं है कि वो किन गलियों में, किन तारीख रास्तों में शहीद हुए। लेकिन टुकड़े टुकड़े करके ये चीजें पाकिस्तान पहुंचना शुरू हुई, और कुफर के पूरे जोर लगाने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह 80 की दिहाई में अल्लाह के हुक्म से एटमी ताकत बन चुके थे, लेकिन हमने उसका ऐलान नहीं किया था। इसराइलीज ने, जो डेविड बिन गोरियान ने इनको नसीहत की थी 1948 में कि पाकिस्तान की रियासत को न छोड़ना कभी, इस तरह मुमकिन उसको तबाह करना, ये उस वक्त से ही हिंदुस्तान के साथ तावन करके पाकिस्तान को तबाह करने की साजिशें कर रहे थे। 1967 में जो सबसे बड़ी चोट हमें लगी कि जब इन्होंने, इसराइलियों ने बगैर किसी ऐलान के 3 मुसलमानों को आर्मी को तबाह करके रख दिया, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, मुसलमान मुल्कों जमीन पर तबाह हो गई। ईद के दिन उन्होंने हमला किया जब मुसलमान ईद मना रहे थे, और मुसलमान मुल्कों की फजाइया तबाह होती है। खतरा यह होता है कि तमाम मुसलमान मुल्क अब इसराइल के कब्जे में चले जाएंगे, पाकिस्तान एयरफोर्स से मदद तलब की जाती है, पाक फजाइया के दस्ते जाते हैं, और अल्लाह के हुक्म से इसराइलियों को मार के गिराते हैं वहां पे। में उससे पहले अल्लाह के फजल से हम इंडियन एयरफोर्स का गुरूर खाक में मिला चुके होते हैं। MM आलम साहब 30 सेकंड में 5 इंडियन जहाज शुरू में मार के गिराते हैं, उसके बाद इंडियन को जरूरत नहीं होती कि पाकिस्तान में दाखिल हो। अल्लाह के फजल से 1967 में भी डिस्ट्रॉय इसराइली एयरफोर्स, उनका खतरा जो मुसलमान मिल्लत को होता है वो टल जाता है। 74 में एक दफा फिर मुसलमान मिल्लत चैलेंज होती है, ये अरब इसराइली जंग फिर होती है, फिर पाक फौज जाती है, पाकिस्तान एयरफोर्स जाती है, हमारे एयर डिफेंस यूनिट्स जाते हैं, और फिर मुसलमान मुल्कों का दिफा किया जाता है। 1995-96 में बस्निया खतरे में पड़ता है, फिर पाकिस्तान फौज के दस्ते वहां पे सर्ब्स के खिलाफ मुकाबला करते हैं, और आज यूरोप में अगर कोई मुसलमान मुल्क है सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के फल से पाकिस्तान ने उनकी मदद की। इसराइलियों ने इराक का एटमी रिएक्टर तबाह किया, 84 में ये पाकिस्तान का एटमी रिएक्टर तबाह किया। उस वक्त हमारे पास F-16 थे, लेकिन F-16 की हमारी इतनी रेंज नहीं थी कि हम इसराइल पे जवाबी कार्रवाई करते और वापस आते। पाकिस्तान ने थ्रेट किया दिल्ली को और इसराइल को, दोनों को, हमें नहीं पता जहाज किस तरफ से आएंगे, हमें नहीं पता जहाज की वार्निंग, उसके ऊपर मार्किंग किसकी होगी। हम एक बात जानते हैं, अगर काउंटर पे बॉम्बिंग हुई तो उसके बाद दिल्ली और तेल अवीव को हम फ्लैट करके रख देंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट से पूछा गया कि वन वे मिशन है, सिर्फ इसराइल पे आप बॉम्बिंग के लिए जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते, कौन वॉलंटियर करेगा? वुड यू बिलीव इट, एंटायर F-16 स्क्वाड्रन हैड रेज्ड देयर हैंड्स, दे वर वॉलंटियरिंग फॉर दिस। में अल्लाह के फजल से हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, और अल्लाह के फजल से इंडोनेशिया से लेकर मोरक्को तक
मुसलमानों ने इस तरह चरागा किया जैसे पूरी उम्मत मुस्लिम में ईद का दिन उस दिन था 28 मई 1998। उस दिन फलस्तीन के बच्चों ने इसराइल को मुखातिब करके कहा था, नाउ वी आर अ न्यूक्लियर पावर, डोंट लुक एट द स्टोन्स इन आवर हैंड्स, लुक एट द बॉम्ब इन पाकिस्तान, वी आर कमिंग आफ्टर यू। पाकिस्तान।